गाइस जब भी हम अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप सिस्टम में ISO फाइल से रूफ़ूस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, तो ऐसे में हमें ISO फाइल के बाद रूफ़ूस सॉफ्टवेयर में ये हमसे पूछता है कि आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम है उसमें हार्ड डिस्क MBR है कि GPT है, क्योंकि जब तक हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो हमारा पेन ड्राइव है वो बूट नहीं लेगा। अगर बूट लेगा भी कुछ टास्क कंप्लीट होने के बाद हमें एरर देखने को मिलता है, और ऐसे पेन ड्राइव से अगर आप किसी दूसरे सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करोगे तो वहाँ भी आपसे विंडो इंस्टॉल नहीं होगा, यानी कि पेन ड्राइव आपका अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक ISO फाइल से बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हो तो GPT और MBR का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमारे कंप्यूटर या हमारे लैपटॉप सिस्टम का जो डिस्क है वो MBR है कि GPT है, तो इसके लिए आपको अपने माउस के कर्सर को स्टार्ट बटन पर लाना है और यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको देख लेना है कि डिस्क मैनेजमेंट कहाँ है, उस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर इस तरह का विंडो पॉपअप ओपन होगा। अगर आप अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप सिस्टम में कोई सेकेंडरी डिस्क यूज करते होंगे तो वो आपको नीचे दिख जाएगा, तो आपको उस डिस्क को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में डिस्क जीरो जो दिखा रहा है तो यह आपका प्राइमरी डिस्क होता है जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है, तो इस पे आपको अपने माउस का कर्सर लाना है एंड माउस का राइट बटन क्लिक करना है यहाँ पर भी। उसके बाद आपको यहाँ प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर आपको इस तरह एक विंडो पॉपअप देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट जनरल पर क्लिक रहता है, तो आपको इसे वॉल्यूम पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप पार्टीशन स्टाइल के सामने देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम है GPT है कि MBR है। तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ पर देख सकते हो MBR दिखा रहा है, तो मैं रूफ़ूस सॉफ्टवेयर में जाके इसे MBR सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद फिर बूट करूंगा। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।